मंडी नगर निगम पालतू कुत्तों को लेकर हुआ सख्त। 30 अप्रैल तक पालतू कुत्ता पंजीकृत नहीं करवाया तो रोजाना लगेगा ₹100 जुर्माना। लाहौल स्पीति की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व रिहायशी इलाकों में बारिश के कारण ठंड से नहीं मिल रही निजात। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में कांग्रेस पार्टी धर्म संकट में फंसी। भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में आने को है तैयार, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन के लोगों को भी नहीं करना चाहते हैं नाराज। विक्रमादित्य सिंह सराज की चिंता छोड़ रामपुर की करे चिंता, भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कसा विक्रमादित्य सिंह पर यह तंज। हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पच्छाद मंडल द्वारा नारग में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में की शिरकत। लाहौल स्पीति में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के पैनल से पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा बाहर। कांग्रेस ने उन्हें अपने पैनल में शामिल न कर टिकट तय करने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है, इससे वह निर्दलीय लड़ सकते चुनाव। हिमाचल में उगेगी पथरी और पीलिया भगाने में सहायक घरकिन। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस फसल पर एक सफल प्रशिक्षण कर इसे तैयार किया है जो जल्द ही किसानों के खेतों तक पहुंचेगी। लोग घरकिन को सब्जी के अलावा सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। जिला कांगड़ा में श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के साथ लगते गांव बड़ोई में 3 दिवसीय मेले का 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक करवाया जाएगा आयोजन। मेले की सभी तैयारियां पूर्ण। मेले में इस बार महिला कुश्ती होगी विशेष आकर्षण का केंद्र। रात भर से जारी बर्फबारी से लाहौल के साथ कुल्लू मनाली में बड़ी ठंड। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सैलानियों को टनल की तरफ आवाजाही नहीं करने की दी है हिदायत। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मौसम खराब, हुई हल्की बारिश। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आईएसएस से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने पूछा कि क्या आरएसएस भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रही है या नहीं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी बारिश, अंधड़ व आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। कल भी बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान, वहीं 1 मई से मौसम साफ रहने की संभावना। केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के साथ सेवा के नए आयाम किए हैं स्थापित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही यह बात। सांसद सुरेश कश्यप के बयान पर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का पलटवार, बोले कांग्रेस ने देश और प्रदेश है बनाया। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा के लिए प्रचार में जुटी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वंदना योगी। गगरेट के चलेट में कार्यकर्ताओं में भरा जोश। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद झूठ बोलने में नंबर 2 पर कौन रहेगा, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं में लगी है रेस। भोटा जाहू सुपर हाईवे पर तलाई गांव में एक घर की सुरक्षा दीवार तोड़कर घुसा ट्रक। ट्रक चालक के अनुसार ट्रक अनियंत्रित होने के कारण पेश आया यह हादसा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया जमा 2 के 85,000 छात्रों का परिणाम, 73.7% रहा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। वही अब बोर्ड परिणाम के साथ डीजी लॉकर पर भी मार्कशीट अपलोड करेगा। बोर्ड के अनुसार विद्यार्थियों को 24 घंटे के भीतर सर्टिफिकेट डीजी लॉकर पर मिलेगा। 12वीं कक्षा के परिणाम की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में बेटियों ने फिर बाजी मारी। ओवरऑल टॉपर लिस्ट में है 41 टॉपर, इसमें 30 छात्राएं और 11 छात्र शामिल। 98.80% अंक हासिल कर कामाक्षी शर्मा व छाया चौहान बनी ओवरऑल टॉपर। हरोली ब्लॉक औद्योगिक एसोसिएशन टाहलीवाल और जिला प्रशासन ऊना के संयुक्त तत्वावधान में एक औद्योगिक प्रबंधन योजना पर कार्यशाला का आयोजन राजीव गांधी सुविधा केंद्र बाथू में किया गया। इस विशेष कार्यशाला में उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में की बात शिरकत। सोमवार को सुबह से लगातार हो रही बारिश से किसानों की बड़ी परेशानी। किसानों ने खेतों में काट कर रखी गेहूं की फसल, तुड़ी भीगी, फसल को हुआ नुकसान, कुदरत के आगे किसान भी बेबस। चंबा के तडोली में लोकसभा चुनाव को लेकर चालकों को एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किया गया जागरूक। एसडीएम के आदेशानुसार चलाया गया यह जागरूकता अभियान। कोन्हा मलाना कहे जाने वाले तांदला गांव के देवता शुक्ली नाग ने सोमवार को मणिकर्ण में वाद्य यंत्रों की स्वरलहरियों के बीच किया शाही स्नान। 19 सालों के बाद देवता शुक्ली नाग ने किया देव परंपरा का निर्वहन। देवता के कारकुनों और हरियाणों ने भी लगाई मणिकर्ण में आस्था की डुबकी। जिला मुख्यालय में सोमवार को हुई झमाझम बारिश। बारिश के चलते कुल्लू शहर की सड़कें बनी तालाब। ढालपुर चौक से लेकर कॉलेज चौक तक पानी से लबालब। सड़कों में राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। कुल्लू के ढालपुर में चल रहे पीपल जातर मेले के दूसरे दिन बारिश ने डाला खलल। अधिकतर दुकानें बारिश के चलते रही बंद, कारोबार रहा मंद। सेब उत्पादक संघ बाली चौकी क्षेत्र का अधिवेशन थाची में हुआ संपन्न। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ राज्य सचिव पूर्ण ठाकुर ने किया अधिवेशन का उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में जहां एक ओर लगातार सेब की खेती की लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को नहीं मिल रहे हैं फसलों के उचित दाम। जिला हमीरपुर के लश्करी राम राठौर अस्पताल टौणी देवी में मरीजों को इलाज कराने में झेलनी पड़ रही हैं दिक्कतें। अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं न होने से मरीजों को आपात स्थिति में 13 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आकर करवाना पड़ रहा उपचार।
जिला हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र भोरंज में आधुनिक तरीके से बस्सी से सरकाघाट वाया भरेरी 11 किलोमीटर लंबी सड़क का विस्तारीकरण का कार्य शुरू। इससे अब वाहन चालकों को जहां खराब सड़क से राहत मिलेगी, वहीं आधुनिक तरीके से बनने वाली सड़क पर वाहन चालकों को वाहन चलाना होगा आसान। लाहौल स्पीति के कोकसर में भारी बर्फबारी के बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से स्वीप कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस दौरान नए मतदाताओं को मतदान करने के लिए किया गया जागरूक। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार में कही बड़ी बात, बोले भाजपा नेताओं की भाषा में दिख रही है हार की बौखलाहट। वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं और लोकसभा सीट मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को सभ्य भाषा का प्रयोग करने की दी नसीहत। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं, पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।